दादा पांडा बबलू कालू को बुला। वो सबके सब उस तरह बदमाशी कर रहे। ये आ गया पांडा, वो आ रहा बबलू, और कालू मामा अभी तक सेंटर में खड़ा है। इतनी सारी नील गाय है यहाँ पर यार, मजा आ गया इनको देखकर। कालू परछाई में भी नहीं दिख रहा है तू, पेड़ की परछाई के अंदर खड़ा है। कालू जिसको दिख रहा है वो कमेंट करे, नहीं दिख रहा है तो भी कमेंट कर दे, हाँ मुझे नहीं दिख रहा है। और ये तीनों गधेड़े छुपा दू तो भी ना छुपे। ये आ गई राधा, डरते डरते घूमती है राधा। इतनी सारी नील गाय है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। बाढ़ में जाओ तुम सब, मैं यहाँ किसी से दोस्ती करने नहीं आया हूँ, सॉरी। ये मैंने मजाक में बोला। हाँ नील गाय सीरियसली मत लेना, सबके सब धीरे 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 जा रहे हैं। नील गाय के बॉडी कलर है ना जमीन के कलर का है, जैसी जमीन वैसी बॉडी, घास फूस जैसी बॉडी कलर है। प्रकृति बहुत अच्छी है, इनको ऐसा कलर इसलिए दिया ताकि ये आसपास के वातावरण में अच्छे से छुप जाए। कालू को भी तो प्रकृति के अकॉर्डिंग कलर मिलना चाहिए, ये गधेड़ा छुपता भी नहीं है, चाह कर भी नहीं छुप सकता। मेरा कालिया जी, जी माने आगे क्या बोलना है आप कमेंट करके बता दो मुझे।